स्टेज तैयार है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा होगा इसके भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए। कुछ संभावितों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है और इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस बना हुआ है। मोहन यादव कैबिनेट में कुछ संभावित मंत्रियों के नाम सियासी गलियारे में चर्चा में हैं। मसलन एंदल सिंह कसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जय सिंह मरावी, संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश धुर्वे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवार, हरि सिंह रघुवंशी बड्डा, विष्णु खत्री, ये कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। हालांकि वास्तव में वो चेहरे कौन से होते हैं इस पर सस्पेंस शपथ ग्रहण के बाद स्पष्ट होगा। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की और इस दौरान वो भावुक भी दिखे। शिवराज ने पार्टी के उत्थान और जनता के लिए काम करते रहने की बात कही। साथ ही